हिमाचल में विधानसभा चुनावों के नतीजे 18 दिसंबर को निकलेंगे और नतीजों से ठीक पहले प्रदेश कांग्रेस भी मिशन रिपीट के दावे कर रही है। हमीरपुर में प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने प्रदेश में कांग्रेस के मिशन रिपीट होने का दावा करते हुए बहुमत से सरकार बनाने की बात कही है। साथ ही कौशल ने भीतरघातियों के ऊपर कार्यवाही करने पर कहा कि ब्लॉकों से आई शिकायतों पर जरूर कार्यवाही कर ऐसे कार्यकर्ताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। प्रदेश प्रवक्ता प्रेम कौशल ने चुनावों में जीत का दावा किया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में दोबारा से सरकार बनाएगी और मिशन रिपीट करेगी। कौशल ने कहा कि गत 5 सालों में कांग्रेस ने सभी वर्गों के लिए काम किया है और इसी के बलबूते पर आज कांग्रेस मिशन रिपीट का दावा कर रही है। साथ ही कोई भी एंटी फैक्टर भी सरकार के खिलाफ नहीं दिखा। दूसरा, केंद्र की मोदी सरकार से भी जनता त्रस्त रही है, जिस कारण प्रदेश की जनता ने चुनावों में जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से हिमाचल प्रदेश में पुणे सरकार बनाने जा रही है मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में। देखिए, इस बार का चुनाव जो था, इस चुनाव में दो चीजें बड़ी स्पष्ट थी। पहली, के प्रदेश सरकार ने जो विकास के काम हिमाचल प्रदेश में किए, जो रोजगार यहाँ के नौजवानों को, युवाओं को हिमाचल प्रदेश के अंदर दिया, कर्मचारियों को जो लाभ दिए, जो सोशल वेलफेयर का जो काम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया, और जितने अलग अलग कैटेगरीज सोसाइटी की हैं उनके लिए समर्पण की भावना से और कमिटमेंट की भावना से जो सरकार ने काम किया, उसके प्रति लोगों में उत्साह था। कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार में देखने को नहीं मिला। उल्टा, केंद्र की जो सरकार है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की, उसका जो पिछला 3.5 वर्ष का कार्यकाल रहा है और जिस तरह के लुभावने वायदे भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के दौरान जनता के साथ किए थे, उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ और मतदाताओं को उलझाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने की। और मोदी जी ने यहाँ आकर भी माननीय मुख्यमंत्री के विषय में जिस तरह की टिप्पणियाँ की, हिमाचल के लोगों के विषय में जो टिप्पणियाँ की, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया, लोगों ने, यहाँ की जनता ने उसको पसंद नहीं किया। हिमाचल के लोग शांतिप्रिय लोग हैं, शिक्षित लोग हैं और सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर एक बड़ी पराजय की तरफ हिमाचल प्रदेश में बढ़ रही है।